सबको सादर जय जिनेन्द्र। समेत सीकर जी को लेकर समाज जिन कारणों से आंदोलित हुआ है वह सब भावनाएं भारतीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी अच्छी प्रकार से समझती है। सर्वाविदित है कि श्री समेत सीकर जी जैन समाज की सर्वोच्च आस्था का केंद्र है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसकी पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। कुछ वर्ष पूर्व जारी किए गए सरकारी नोटिफिकेशन में संशोधन के लिए शासन की ओर से प्रतिक्रिया जारी है। ये पावन क्षेत्र हमारे साथ साथ सभी की श्रद्धा का स्थल है। हमारा सभी से निवेदन है कि सभी तीर्थयात्री सभी वर्गों की भावनाओं को सुरक्षित रखते हुए अपनी वंदना संपन्न करें। ऐसा कोई कार्य न करें जिसे किसी की भावना आहत हो। इसके साथ ही मैं देश के सभी पूज्य आचार्य भगवंतों, पूज्य मुनिराजों, आर्यिका माताओं एवं विदुजनों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह इस विषय में समाज को सकारात्मक दिशा दें। और मैं महाराष्ट्र से निवेदन करता हूं कि हमेशा हमको निर्देश देते रहे कि हम कैसे काम करें। अभी जो बात आप सबके बीच कही गई, समेत शिखर जी के संदर्भ में मैंने पहले भी आप सबसे चर्चा की थी। समेत शिखर जी हमारा प्राण है और प्राणों पर सबका ध्यान लगा होता है। अगर थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो चीख पुकार निकलने लगती। पर बंधुओं, हमें बहुत समझदारी और सकारात्मकता से अपना काम लेना चाहिए। हम शिखर जी में जितने लोग भी आते हैं धर्म और श्रद्धा की भावना से आते हैं। हम अपना सारा धार्मिक कार्य करें और अन्य लोगों की भी श्रद्धा का सम्मान करें। यदि कहीं किसी के द्वारा कोई अवांछित दिख भी जाए तो वो जो संबंधित व्यक्ति है उसके हाथ छोड़िए, आप उसका अधिकार अपने हाथों मत लीजिए। कई बार जानकारी के अभाव में भी लोगों से गलतियां होती है। यहाँ शिखर जी में अभी तक कोई नियमावली निर्धारित नहीं हो सकी, ये हम लोगों की कमी। पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी नियमावली को निर्धारित करने के लिए और यहाँ के सर्व समाज ने कहा था कि आप लोग नियमावली बना दीजिए, हम लोग पालन करेंगे। तो जब तक नियमावली नहीं बनती हम किसी को कैसे कुछ कह सकते हैं। और अभी जिस तरह से लोग उद्वेलित होकर के किसी के साथ भी किसी तरह का व्यवहार करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भयानक हो जाती। इसलिए मेरा सभी से कहना है, शिखर जी में आइए, विशुद्ध धर्म भाव से कीजिए, आप वंदना कीजिए, आपके संपर्क में आने वालों को भी ऐसी प्रेरणा दीजिए कि उनका भाव विशुद्ध हो और वो आपके पथ पर चले। हम तो ये भाव रखें कि सारा हिंदुस्तान भगवान पारसनाथ के चरणों का दास बन जाए। यहाँ व्यापकता होनी चाहिए, हमारी सोच को हमें बढ़ाना है, हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखना है और शासन प्रशासन अपना काम करेगा। यहाँ ऊपर की पूरी व्यवस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी संयुक्त रूप से देखती। जो भी कार्य करना वो करेंगे, उनका प्रबंध संचालन उनके हाथ में आपके हाथ में नहीं है। हर आदमी यदि व्यवस्थापक बनेगा तो अव्यवस्थाएँ होगी। इसलिए सभी तीर्थयात्रियों से कहता हूँ, आप लोग बहुत संयम के साथ अपना दर्शन बंधन का कार्य कीजिए। कहीं किसी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि ये क्या हो रहा है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जैन लोग बड़े सभ्य होते हैं, बड़े सरल होते हैं। हमें वही उदाहरण प्रस्तुत करना है। सब लोग आते हैं यहाँ, दिसंबर जनवरी की माह में तो यहाँ बहुत आयत लोग पूरे आस पास के अंचल से आते हैं, तो हमें उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना है। और जल्दी ही अब मुझे लगता है कि नियमावली बनेगी और नियमावली बनने के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा तो सब उसका पालन करेंगे।
रोक टोक डोका टाकी करना और अलग अलग तरीके के सवाल जवाब करना कतई उचित नहीं है, न सोशल मीडिया में न प्रत्यक्ष रूप से। मैं सभी से कहता हूँ, इस तरह की बातों को फैलाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए और जिसके लिए यहाँ के सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आप उनको साथ लेकर के चलिए, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। शिखर चंद जी ने जो आज अपील जारी की है वो बहुत ही प्रासंगिक है, लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें कि लोग उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं करने लगे और हम सबको समस्याओं का सामना करना पड़ सके।